फ्रेंड्स वेलकम टू लॉजिक पार्टशाला चैनल तो आज के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फरवरी के करंट अफेयर्स इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे से जो कि मनाया जाता है फोर्थ फैब को थीम की बात करें इसकी तो 2022 से 2024 तक इसकी थीम है क्या एवरी वन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर क्लोज द केयर गैप एवरी वन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर तो ये थीम चल रहा है आपका 2022 से कब तक है ये 2024 तक क्वेश्चन नंबर वन इज नेम द जी एम एम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हु टुक ओथ एज द सी एम ऑफ झारखंड एट राजभवन इन रांची ऑन फेबररी टू तो कौन बने हैं झारखंड के सी एम तो ये बने हैं आपके चंपाई सोरेन तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए चंपाई सोरेन टुक एज द न्यू सी एम ऑफ झारखंड तो इन्होंने शपथ ली है एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन सी पार्टी से है ये तो ये हैं आपके जे एम एम लेजिस्लेचर पार्टी से ठीक है ही बिकेम सी एम टू डेज आफ्टर हेमंत सोरेन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सी एम एंड हिज अरेस्ट बाय ई डी बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड की हिंदी लार्जेस्ट सिटी है झारखंड की जमशेदपुर स्टेट फ्लावर है झारखंड का पलाश स्टेट बर्ड है कोयल एंड स्टेट थ्री है यहाँ का साल ठीक है तो कोयल है स्टेट बर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 ट्वेंटी फोर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड विच बाय द इंडियन नेवी तो कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है 2024 को तो ये डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 2024 ट्वेंटी फोर हैज़ बिन डिक्लेयर द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस बाय द इंडियन नेवी इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड

की फोकस एरिया क्या रहेंगे मैक्सिमाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी डिजिटल इनिशिएटिव्स जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ तो ये सब हैं इस बार के की फोकस एरिया क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट द वायु शक्ति ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक्सरसाइज इन विच सिटी ऑन सेवनटीन ऑफ फेबररी तो कहाँ पे ये कंडक्ट करवा रहे हैं वायु शक्ति तो इस बार देखने को मिलेगी आपको ये एक्सरसाइज जैसलमेर में तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी आई ए एफ टू कंडक्ट वायु शक्ति ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक्सरसाइज इन जैसलमेर ऑन सेवनटीन ऑफ फेबर इंडियन एयरफोर्स विल कैरी आउट वायु शक्ति गगन गंग, शक्ति एंड तरंग शक्ति एक्सरसाइजेस तो इंडियन एयरफोर्स ये वाली एक्सरसाइजिस करवाएंगे द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एट पो पोखरान रेंज इन जैसलमेर एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूडिंग एम आई सी ए आर सेवेंटी थ्री समर एंड आकाश विल शो देयर फायर पावर The Indian Air Force was officially established on 8th October 1932. तो देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है इसे इस्टाब्लिश किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को इसलिए हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे इंडियन एयरफोर्स को कहा जाता है भारतीय वायु सेना और ये एयर आर्म है इंडियन डिफेंस की बात करें इंडियन डिफेंस सिस्टम की तो इसके अंदर आती है आपकी आर्मी नेवी और एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स डे 2023 ट्वेंटी मोटो इज़ नभम स्पर्शम दीप्तम जिसका मतलब क्या है टच द स्काई विद ग्लोरी तो ये एयरफोर्स का मोटो है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको एयरफोर्स डे पता होना चाहिए कब इस्टिश किया गया है एयरफोर्स को और इसका मोटो क्या है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द रिफंड स्कीम फॉर गारमेंट्स एंड मेड मेडअप एक्सपोर्ट्स स्टिल तो कब तक की है इन्होंने ये तो ये एक्सटेंड की है मार्च 2026 तक तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनोग्रेटेड कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सोलिसटर जनरल कॉन्फ्रेंस इन न्यू डेली तो किसने इनोग्रेट किया है इसका तो ये किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने पीएम मोदी इनोग्रेटेड सॉरी इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो इन्होंने ये इनोग्रेट की है ठीक है पीएम मोदी इनोग्रेटेड द कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस इन न्यू डेली थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी अब बात करते हैं हम द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं ये हमारे फिफ्टीन प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ झारखंड पहली ट्राइबल गवर्नर बनी है ये ट्राइबल स्टेट की और पहली उड़ीसा बोर्न वीमन है जिन्होंने ये पोजिशन को होल्ड किया है साथ ही साथ ये पहली ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट है इंडिया की और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है इंडिया की आफ्टर श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा पहली ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट कौन है तो वे हैं आपके द्रौपदी मुर्मू ठीक है और वैसे ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है इंडिया की क्वेश्चन नंबर सिक्सथ इज रिसेंटली यूपीआई हैजबिन लॉन्च एट तो कहाँ पे लॉन्च किया है यूपीआई को तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज आइफल टार ठीक है तो देखिए यू पी आई हैज़ बिन फॉर्मली लॉन्च एट आइफल टार इन पेरिस फ्रांस आइफल टार कहाँ पे है पेरिस के अंदर और पेरिस कैपिटल है फ्रांस की इट वॉज़ फॉर्मली लॉन्च एट अ रिपब्लिक डे रिसेप्शन हेल्ड इन फ्रांस अब जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो टिकट बाय कर सकते हैं आइफल टार की किसके थ्रू यू पी आई के थ्रू आइफल टार इज़ द फर्स्ट फर्स्ट मर्चेंट टू ऑफर यू पी आई पेमेंट्स इन फ्रांस और जो फ्रांस है ये पहला यूरोपियन कंट्री बना है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है यू पी आई को इंडिया और फ्रांस ने प्लेज किया है कि वो फोस्टर करेंगे अपना हेल्थी इकोसिस्टम बनाएंगे एंड फॉर्म पार्टनरशिप इन 2023 ट्वेंटी थ्री

ओडिशा के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ एनएलसी इंडिया लिमिटेड इन ओडिशा जो ये आपका प्रोजेक्ट है इट वर्थ मोर देन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड करोड़ और जिसे की इस्टब्लिश किया गया है संभलपुर ओडिशा के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू जी सी इशू गाइडलाइंस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड इक्वल अपरचुनिटीज टू ऑल तो आपने ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यू जी सी आर्स यूनिवर्सिटीज एंड एच ई आई टू इम्प्लीमेंट ब्रिच कोर्सेज अर्न वाइल्ड लर्न स्कीम एंड आउटरीच प्रोग्राम टू प्रोवाइड इम्प्लाइबिलिटी अपरचुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स सेकेंड यू जी सी मेड इट मैंटरी टू फॉर्म सोशियो इकनॉमिकली डिसवान्टज ग्रूप सेल तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट तो देखिए जो यू ने इशू की है गाइडलाइंस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कि वो प्रोवाइड करवाएं इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इशू की है गाइडलाइंस प्रोवाइड इक्विटेबल ऑपरचुनिटी फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसडवाटेज ग्रुप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस जो गाइडलाइंस रहेगी ये जो रेकमेंडेशंस रहेगी ये आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग रहेगी 2020 के अकॉर्डिंग रहेगी ये इम्फोसाइज करेंगे ऑन असेसिबिलिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन हायर एजुकेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली एडवाटेज ग्रूप्स के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिकमेंडिड दैट ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड फॉलो दिस गाइडलाइंस टू इम्प्रूव द एजुकेशनल ऑपरचुनिटीज ऑफ स्टूडेंट्स फ्राम सोशो इकनोमिकली डिसवान बैकग्राउंड तो जो यू जी सी हैं उन्होंने रिकमेंड किया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कि वो फॉलो करें इन गाइडलाइंस को ताकि इम्प्रूव किया जा सके एजुकेशनल ऑपरचुनिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सोशो इकोनॉमिकली डिसवान्टेज बैकग्राउंड से आते हैं यू ने अर्ज किया है यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कि वो इम्प्लीमेंट करें ब्रिज कोर्सेस ऑन वाइल लर्न स्कीम आउटरीच प्रोग्राम्स और प्रोवाइड करवाए एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ इन सभी स्टूडेंट्स को ठीक है वट इज़ द नेम ऑफ द एक्टर हु रिसेंटली लॉन्च हिज पोलिटिकल पार्टी तमिल झांग वेत्री कजकम तो ये की है कि इन्होंने लॉन्च विजय ने तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी मिस्टर विजय इज द फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी ही इज आर्ग्युएबली द बिगेस्ट एंड हाइस्ट पेड स्टार इन तमिलनाडु प्रेजेंटली द गवर्नमेंट अप्रूव साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ अ बाइलेट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है तो ये देखने को मिलेगा इंडिया एंड यूएई के बीच में इंडिया यूएई बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट द गवर्नमेंट अप्रूव द साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमरेट्स इस ट्रीटी में क्या रहेगा इट विल हेल्प In enhancing investments between both countries. It will significantly boost bilateral economic engagement in different areas, including manufacturing and FDI, which is foreign direct investment. It will increase the confidence of investors, especially large investors, which will increase foreign investments and oversee direct investment opportunities. बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तो इसकी कैपिटल है धाबी लैंग्वेज है यहाँ की अरेबिक प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जैद अल नहन यूएई के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं तो इस इनके साथ करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ठीक है बेसिकली जो आपकी एक्सरसाइज थी डेजर्ट फ्लैग ये मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इसे होस्ट किसने किया था वो किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ठीक है उनकी एयरफोर्स ने मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग शिप्स विल बी कमीशन ऑन फेबररी थ्री एट विशाखापट्टनम तो कौन सी शिप है ये तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थी दैट इज़ आई एन एस संध्याक आई एन एस संध्या कमीशन ऑन फेबररी थ्री एट विशाखापट्टनम राजनाथ सिंह विल विजिट विशाखापट्टनम टू प्रिसाइड ओवर द कमिश्निंग सेरेमनी ऑफ आई एन एस संध्या एट नेवल डोक यार्ड विशाखापट्टनम चीफ कौन है नेवल स्टार के एडमिरल आर हरी कुमार जो कि इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे आई एन एस संध्या को बिल्ट किसने किया है जी आर एस सी कोलकाता ने द वन हंड्रेड टेन मीटर शिप विल डिस अबाउट थर्टी एट हंड्रेड टनस एंड विल बी पावर्ड बाई टू डीजल इंजनस इंडियन नेवी की बात करें तो इससे सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर ऑफ फोर हर साल इट को मेमोरेट्स द इंडियन नेवी रोल एंड अचीवमेंट इस्पेली हाईलाइटिंग द सक्सेसफुल ऑपरेशन ट्राइडेंट जो देखने को मिला था इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन को व्हेन वॉज़ इंडियन नेवी इस्टैब्लिश्ड एंड बाय होम तो इंडियन नेवी कब इस्टैब्लिश हुई है और किसने इसे इस्टैब्लिश किया है Indian Navy was established in 1612 by East India Company it has a long and storied history playing a crucial role in various significant historical events jiske andar indo pak war 1971 bhi hai, who has been appointed as chief hydrographer to the government of india तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी दैट इज़ वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया एज अ चीफ़ हाइट्रोग्राफर ही अज्यूम द चार्ज एज अ चीफ हाइट्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी इन नाइनटीन ही इज़ हाइड्रोग्राफी स्पेशलिस्ट एंड हैड कमांडेड शिप दर्शक एंड संध्यक he carried out different hydrographic surveys he was involved in the challenging task of data collection for imbl arbitration and for the production of new chart in the sundarbans delta to aapko paper mein yahi pucha jayega isme se ki किसको चीफ हाइड्रोग्राफ अपॉइंट किया गया है ठीक है Next question is who inaugurated 37th सेवन International Festival? इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024 तो इसे इनोग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनोग्रेटेड थर्टी सेवन सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024 एट सूरज कुंड इन फ़रीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा तो देखिए ये कौन सा एडिशन था आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा जा सकता है तंज़ानिया पार्टनर कंट्री थी इस मेला के लिए विच रिफ्लेक्ट्स इंडिया स्ट्रोंग टाइज विद अफ्रीकन यूनियन थीम स्टेट है गुजरात सूरज खंड फेयर विल कंटिन्यू टिल फेब्ररी एटीन हु विल बी अवार्डिड भारत रत्न तो किन्हें दिया जा रहा है भारत रत्न तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज एल के अडवाणी बीजेपी वेटरन लाल कृष्ण अडवाणी विल भी ऑनर्ड विद भारत रत्न जो कि हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एल के अडवाणी की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है एज अ सेवेंथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2002 से 2004 तक ये को फाउंडर हैं बीजेपी के और मेंबर हैं आरएसएस के अडवाणी लॉन्गेस्ट सर्विंग सर्विंग मिनिस्टर रहे हैं होम अफेयर्स एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं लोकसभा के ये मेंबर रहे हैं दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट के बिटवीन 1970 टू 2019 भारत रत्न की बात करते हैं तो पहला भारत रत्न अवॉर्ड दिया गया था सी राजा चारी सर्वेली राधा कृष्ण साइंटिस्ट सी वी रमन कौन से ईयर में 1954 में 2024 की बात करें तो इस बार दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर जो कि रिनाउम्ड सोशलिस्ट लीडर हैं और सीएम रह चुके हैं बिहार के इस सेट टू बी पोस्टिमसली कंफर्ड विद भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पोस्टिमसली का मतलब होता है जो कि आफ्टर डेथ दिया जाता है जिन्हें ये अवार्ड ठीक है द अनाउंसमेंट ऑफ दिस प्रस्टिजियस प्रस्टिजियस ऑनर को इनसाइड्स विद द ईव ऑफ हिज हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी अनदर रिसिपियंट जिन्हें भरत रत्न दिया जा रहा है इस बार वो हैं लाल कृष्ण अडवाणी तो दो लोगों को दिया जा रहा है एक है कर्पूरी ठाकुर और एक है लाल कृष्ण अडवाणी तो देखिए लाल जो कर्पूरी ठाकुर हैं इन्हें मिल रहा है पोस्टमस्टली मतलब जो जिनकी डेथ हो चुकी होती है ठीक है यंगस्ट भारत भारत रत्न रेसिपियंट की बात करें तो वे हैं सचिन तेंदुलकर जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था दो में ओल्डेस्ट रेसिपियंट कौन है जिन्हें ये दिया गया है तो वे हैं धोंदो केशव कार्वे ठीक है फर्स्ट ऑफ भारत रत्न अवार्ड तो वो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे भारत रत्न अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है 1954 में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज हैज सेलेक्टेड एज टोर्च बेयर फॉर 2024 ओलंपिक्स तो किसे नियुक्त किया गया है सिलेक्ट किया गया है एज अ टोर्च बेयर जो कि आपके 2024 के ओलंपिक्स होंगे कहाँ पे पेरिस के अंदर तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा जी को तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट ओलंपिक गेम्स जिन्हें सिलेक्ट किया गया है टॉर्च बेयरर फॉर द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक गेम्स बिंद्रा अ मेंबर ऑफ एथलीट कमेटी ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्लिस्ट गोल्ड मेडल इन मेंस हंड्रेड मीटर एयर राइफल इवेंट इवेंट एट बीजिंग ओलंपिक गेम्स इन 2008 तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टेन मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर 2008 में बीजिंग के अंदर जो ओलंपिक्स हमें देखने को मिले थे ठीक है तो जो अभिनव बिंद्रा हैं ये हैं आपके शूटर और अक्सर क्वेश्चन देखा गया है पेपर के अंदर जो कि पूछा जाता है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो इसका आंसर रहता है आपका अभिनव बिंद्रा तो रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था आपको ये पता होना चाहिए कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है ये और जो इन्हें गोल्ड मेडलिस्ट मिला था कौन से ओलंपिक गेम्स में मिला था और वो ओलंपिक गेम्स कहाँ देखने को मिले थे तो ये सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन